Hey, what's up guys and welcome back to another video. दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ Xiaomi MIUI 12 का इंडियन रोल आउट अपडेट शेड्यूल आ चुका है, जो मतलब इंडिया में अपडेट आएगा MIUI 12 का, उसका रोल आउट शेड्यूल यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। तो वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उस रोल आउट शेड्यूल के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, तो दोस्तों एक छोटी सी क्विक वीडियो होने वाली है और अगर मैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आगे जाके आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाएं। एंड दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ एक सुपर वॉलपेपर नया आया है, उसका फर्स्ट लुक दूंगा। वो साटन के बेस पे है, मतलब अभी अल्फा स्टेज में, तो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं ओनली फॉर Redmi K20 Pro। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आज के अपडेट रोल आउट शेड्यूल के बारे में। तो भाई ये जो शेड्यूल है ये आया है Xiaomi की तरफ से एंड Xiaomi नींद से जाग गया एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं गैलरी एंड ये देखो भाई, ये है अपना रोल आउट शेड्यूल एंड Xiaomi वालों ने MIUI 12 को इंडिया में अब लॉन्च किया है, जबकि कुछ डिवाइसेज में ऑलरेडी MIUI 12 चल रहा है। तो इसी बात पे Xiaomi को बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के अपडेट शेड्यूल के बारे में। तो उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है Mi 10 को यहाँ पे अपडेट मिलेगा, इंडिया में है Mi 10, हाँ है इंडिया में, तो उसको यहाँ पे अपडेट मिलेगा सबसे पहले। नेक्स्ट की यहाँ पे जो अगला नाम है वो है Redmi Note 9 एंड Note 9 Pro, Pro Max नींद में है, पता नहीं कहाँ है वो, सपने में देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो उसके बाद नोट 8, नोट 10 प्रो, ओके, एंड उसके बाद नोट 7 एंड नोट 7 प्रो को लास्ट में अपडेट मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। बट इसमें लिखा है कि ये जो शेड्यूल है ये सब्जेक्ट टू चेंज, ये आगे जाके चेंज हो सकता है। एंड उसके आगे लिखा है स्टार्टिंग अगस्त 2020, तो मतलब 2020 में स्टार्ट होगा अगस्त में, मतलब वही यार जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने जब भी मेरे से कमेंट में पूछा या लाइव में मैंने आपको बताया था कि भाई वो अगस्त में चालू होंगे अपडेट्स, इन सितंबर अक्टूबर तक जा सकते हैं। और बाकी इसमें लिखा है कि बाकी डिवाइसेस के लिए अपने सोशल मीडिया पे स्टे ट्यून रखना, मतलब जैसे ही भाई आप अगले डिवाइसेस का मुझे पता चलेगा ना मैं आपको वीडियो बना बता दूंगा या फिर कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा या वेबसाइट पे या फिर अपने मैं सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दूंगा, तो फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो बेसिकली ये जो चक्कर है ये सारा सिस्टम है, मतलब इन 6 डिवाइसेस, इन 7 डिवाइसेस को अभी अगस्त में अपडेट मिल जाएगा, उसके बाद जो बाकी डिवाइसेज है सितंबर अक्टूबर पता नहीं अगले साल दे दें, कुछ पता नहीं भाई इन लोगों को, कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो बीटा टेस्टिंग चालू हो गई है मेरे पोको F1 के अंदर, मैंने पायलट टेस्टिंग में अप्लाई किया था, मैं सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपको पोको F1 के MIUI 12 की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बता देना। तो भाई ये था अपडेट का रोल आउट शेड्यूल, बाकी Xiaomi नींद में रहता है, इनको याद भी आ गया कि भाई इंडिया में MIUI 12 लॉन्च करना है, जबकि कुछ डिवाइसेस में पहले ही आ चुका है। पता नहीं भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, नींद में बैठे हैं और एक पोको लॉन्चर फिर भी नहीं हटा रहे हैं, इन्होंने ये भी गड़बड़ करी है। चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूं उसका अल्फा स्टेज का जो है सुपर वॉलपेपर। वेट अ मिनट, मैं फोन चेंज करता हूँ। तो भाई ये है अल्फा स्टेज का सुपर वॉलपेपर, इस बार उन्होंने पहले मार्स और अर्थ था, पर इस बार उन्होंने सैटर्न प्लैनेट को चूज किया, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी बढ़िया यहाँ पे लगता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे चल जाएंगे तो भाई ये वही साइड से आ जाता है एंड ऊपर से यहाँ पे भाई रिंग्स बहुत ही अमेजिंग लगती है इसकी। इसमें एक फॉल्ट ये है क्योंकि अभी तक कोई भी रोवर या सैटेलाइट आई थिंक सैटर्न के पास नहीं गई है, क्योंकि हमें उसके नीचे के सैटर्न के अंदर की इमेजेस नहीं देखने को मिलती यहाँ पे उसका व्यू, हमें उसके साइड की जो रिंग्स होती है ना और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है उसी का यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है, हमें सैटर्न के अंदर का व्यू देखने को नहीं मिलता लाइक मार्स एंड अर्थ में जैसे सिस्टम है, बिकॉज अभी तक कोई रोवर नहीं छोड़ा गया है अंदर या सैटेलाइट जो उसकी डीप इमेजेस ले सके, तो इस वजह से हमें अंदर का व्यू देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ सैटर्न वाला वॉलपेपर आया था, मेरे को तो यार काफ़ी पसंद आया, आप बताना यार। अभी फिलहाल अल्फा स्टेज में है, मुझे लगता है कि ये फिर अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ये लोग बना के डाल देंगे अंदर का व्यू, हो सकता है। एंड दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ चेकआउट करा देता हूँ कि इसमें अगर हम चल जाएँ वॉलपेपर्स के अंदर एंड चल जाऊँ मैं माई पेज वॉलपेपर्स एंड सुपर वॉलपेपर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ को उन्होंने नाम बदल के होम कर दिया है एंड यहाँ पे कोई नई लोकेशन आई है क्या? तो भाई नई लोकेशन नहीं आई, ओके मार्स में चेक कर लेते हैं रेड प्लैनेट में, तो भाई इसमें भी नहीं आई, कोई नहीं दोस्तों। तो भाई ये सैटर्न आपको देखने को मिल जाता है, इसका नाम है फार वे रिंग्स एंड इसमें सिर्फ एक ही अभी लोकेशन देखने को मिलती है। तो भाई यही थी आज की वीडियो एंड आज का प्रवचन मेरा, मतलब मैंने आपको बता दिया कि अपडेट रोल आउट शेड्यूल और आपका फर्स्ट लुक भी इसका मैं दे दिया है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।